नमस्कार, आप देख रहे हैं अब टी न्यूज़। चलिए डालते हैं आज की खबरों पर। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बिलहर कला विकास खंड से जुड़ा हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी अतुल मिश्र के औचक निरीक्षण के दौरान ब्लॉक प्रमुख राधिका निषाद के कक्ष राजेश और उप राजू नामक व्यक्ति द्वारा बैठकर मास्टर रोल पर फर्जी तरीके से अंगूठा लगवाया जा रहा था, जिस पर सीडीओ कड़ी फटकार लगाते एसओ बिलहर कला को ब्लॉक मुख्यालय बुलाकर मौके पर मौजूद तीनों व्यक्तियों को पुलिस कस्टडी में सौंपा। साथ ही इनके खिलाफ बिलहर थाने में FIR दर्ज कराने का आदेश एडीओ पंचायत सवाजीत यादव को निर्देशित किया। सीडीओ अतुल मिश्र ने बताया कि निरीक्षण के दौरान देखा गया है कि मनरेगा योजना के तहत कार्य के भुगतान को लेकर बिलहर प्रमुख कक्ष में मास्टर रोल पर एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न लोगों के नाम के समक्ष अंगूठा लगाया जा रहा था। उन लोगों से सवाल करने पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका, जिस पर ब्लॉक कर्मचारियों को वीडियो द्वारा कड़ी फटकार लगाई। उक्त मामले में एडीओ द्वारा JR ED आर के वर्मा राधेश्याम यादव और BDC सदस्य सहित दो अन्य के खिलाफ बिलहर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पिच रोड से हरजन टोला तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु 16 मजदूरों के नाम के सम्मुख अंकित 92,642 रुपये धनराज का मास्टर रोल फर्जी तरीके से भरा जा रहा था, जिसको पकड़ा गया। कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था? 5 लोग हैं इसमें, JERS RED, क्या नाम है उनका, श्री आर के वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी जो कार्य प्रभारी हैं राजेश पांडे, दो अंगूठा लगाने वाला जो था पुरई सनाब धनई निवासी ग्राम पंजरा भिरी पोस्ट बिलहर सेंगत विकास खंड बिलहर कला, जो अंगूठा लगवा रहे थे राजेश्वर सिंह उर्फ राजू और श्री राधेश्याम पुत्र भगवान दास ग्राम देवसा।